हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट आवर वीकेंड फन आई होप आप इस वीडियो को देख के बहुत एंजॉय करने वाले हैं शिकागो की समर्स ना बहुत ब्यूटीफुल होती हैं यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज होते हैं बच्चों के लिए तो हम लोगों के घर के पास ही एक स्ट्रॉबेरी फेस्ट लगा था जहाँ पे हम लोग सैटरडे को बच्चों को लेकर आए थे वेदर वॉज सो ऑसम एकदम क्लाउडी था हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी एंड स्ट्रॉबेरी फेस्ट है ऑल अराउंड स्ट्रॉबेरी के बलूनस लगे हुए थे और ना बहुत बहुत सारी रोड साइड शॉप्स लगी हुई थी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत uh, खा पी सकते हो तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी शॉप uh, थी जहाँ पे चॉकलेट फिल चीज केक मिल रहा था मैंने इस टाइप का चीज केक ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एकदम फ्रेश चीज केक को चॉकलेट में डिप करके उन्होंने सर्व किया था आइसक्रीम चॉकलेट केक दिस इज आइसक्रीमी चॉकलेट एंड इट्स कॉल्ड अ केक और यहाँ ना बच्चों के लिए भी बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ थी इस वाले स्टॉल पे वुडन प्लांट्स रखे हुए थे जिसपे स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसको कलर करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब गोविंद कलर कर रहा था तो मुझे लगा चलो मैं भी अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी बनाती हूँ ये हो गई गोविंद की स्ट्रॉबेरी रेडी और यहाँ पे हो गई मेरी स्ट्रॉबेरी रेडी इस टाइप के बहुत सारे फन फेयर्स लगते रहते हैं स्पेशली समर सीजन में इस इसकी इंफॉर्मेशन आपको फेसबुक के थ्रू या इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मिल जाती है सारे फ्रेंड्स शेयर करते रहते हैं हम लोगों के साथ भी हमारे एक फ्रेंड्स आने वाले थे बट ड्यू टू सम रीजन वो हमारे साथ सैटरडे को नहीं आए तो वो लोग संडे को गए थे इसी फेयर में काफी फन था काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे रोड साइड शॉप्स थी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो एक शॉप बहुत अच्छी थी जहाँ पे हैंडमेड सोप्स मिल रही थी बहुत ही अमेजिंग सोप्स थी तो मैंने अपने लिए एक छोटी सी सोप की वहां से अब आगे चलते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया राइड्स भी थी तो गोविंद तो उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था तो बस हमें कहीं रुकने ही नहीं दे रहा था कि चलो चलो राइड वाले पार्क में चलते हैं और फिर हम आए यहाँ पे एक स्टॉप लिया यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी देर खेला और उसके बाद फिर हम आ गए पार्क में जहां पे बहुत सारी राइड्स थी तो यहाँ पे ना हमने गोविंद के लिए अनलिमिटेड राइड्स वाला बैंड ले लिया था इट वाज अराउंड ट्वेंटी फाइव डॉलर एंड उसी के लिए लिया था क्योंकि मुझे और अंजल को राइड्स में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है हमें तो काफी डर लगता है तो गोविंद अकेला अकेला जाके ही कर रहा था उसने काफी ज्यादा फन किया काफी सारी राइड्स उसने खुद से ही की एंड इट वॉज अमेजिंग एंड पता है वेदर भी इतना ज्यादा अमेजिंग था एकदम क्लाउडी था हल्का सा चिलिंग वेदर था और बीच बीच में ना हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही थी तो बहुत मजा आया उसके बाद हमने ये व्हील किया तो व्हील में तो मुझे में मजा आता है बैठने में तो मैंने सोचा चलो केशु को लेके मैं बैठती हूँ अंशुल को तो इसमें भी बहुत डर लगता है तो वो नीचे ही थे मैं गोविंद और केशु गए थे एंड टू माय सरप्राइज़ केशु ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मुझे लगा था एक बार तो शायद वो रोने ना लग जाए उसके बाद हमने ये फन स्लाइड की आप मेरा एक्सप्रेशन देखना उसके बाद केशु का देखना मैं बीच में एक बार थोड़ा सा घबरा गई थी बट केशु ने बहुत इन्जॉय किया उसके बाद गोविंद ने और थोड़ी राइड्स ली और राइड्स करते करते हमें तीन घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और हम लोग एकदम भूखे हो गए थे तो हमने सोचा यहाँ से नाचोस लेते हैं दे वर नॉट सो ग्रेट बट ठीक है हमने खा लिया अच्छा लगा किस क्लिक की एंड देक होम इट वॉज एन अमेजिंग सैटरडे ये ना एक और दिन की क्लिप है जब गोविंद ने एक आर्ट सेशन ज्वाइन किया है अपनी लाइब्रेरी के साथ गोविंद को आर्ट एंड क्राफ्ट एंड रीडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट आता है एंड यहाँ पे ना लाइब्रेरी में बहुत सारे इस टाइप के सेशन होते हैं बी इट साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट और रीडिंग रिलेटेड तो जो भी मुझे लगता है कि उसको इंटरेस्ट करेगा मैं उसमें एनरोल करा देती हूँ उसको तो आप भी अगर आपके बच्चे भी इस एज ग्रुप के हैं ना तो अपनी नियरेस्ट लाइब्रेरी जाके पता करिएगा बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं लाइब्रेरी में समर टाइम में एंड इट इज कम्पलीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो जो भी आपके बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है उसमें आप एनरोल करा सकते हो और इनफैक्ट आप उनके ना ऑनलाइन पोर्टल पे भी देखोगे तो आपको उनका पूरा स्केड्यूल दिख जाएगा कि कौन से दिन पे कौन सी एक्टिविटी है एंड काफी सारी एक्टिविटीज इन पर्सन होती हैं काफी सारी ऑनलाइन तो 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 अच्छा भी, बच्चे भी एंगेज हो जाते हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलता है सो so, दोस्तों कमिंग बैक टू वीकेंड ब्लॉग आज है संडे मॉर्निंग बहुत ही प्यारा सनी डे है हम लोग अपना दिन स्टार्ट करने वाले हैं कोकोनट वाटर के साथ बच्चे अभी स्टिल सो रहे हैं कल बच्चे फेस्ट से आए ना तो एकदम मस्ती के मूड में थे साढ़े ग्यारह बजे तक बच्चे सोए ही नहीं हम लोग मूवी देख रहे थे तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया तो आज मैं उन्हें थोड़ा लेट ही उठाने वाली हूँ मैं और इच्छल उठ के आ गए थे अराउंड सेवन ओ क्लाक हुआ है यहाँ पे कितना भी सोचो ना कि आज हम थोड़ा सा लेट सो के उठेंगे बट नींद खुली जाती है एक तो समर्स में यहाँ पे इतनी जल्दी सवेरा हो जाता है और इतनी तेज़ धूप आने लग जाती है सुबह सुबह ही मुंह पे कि ऐसा लगता है एकदम नाइन ओ क्लाक हो गया तो एकदम नींद खुल गई थी तो हमने सोचा चलो नीचे चले जाते हैं और जब बच्चे नहीं उठे होते ना तो घर एकदम शांत होता है एकदम काम पीस वाली फीलिंग होती है घर में तो मैंने यहाँ पे कोकोनट वाटर दे दिया है हम दोनों बैठ के कोकोनट वाटर पी रहे हैं घर पे बात कर रहे थे अंशुल थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद लगेंगे ब्रेकफास्ट में तो आज ना ब्रेकफास्ट में मैं स्पेशल मूंग दाल के चीले बनाने वाली हूँ ये येलो वाली मूंग दाल मैंने कल रात में सोक करके रख दी थी अच्छे से ये भीग चुकी है अब मैं इसे ना ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था ब्लेंड करते वक्त अब यहाँ पे मैंने कंटेनर में थोड़ा सा बेसन लिया अराउंड टू टी स्पून इसके अंदर ना मैं ये दाल से ही इसको भिगाने की कोशिश करूंगी अगर पूरी दाल में एक साथ में बेसन ऐड कर दूंगी ना तो बेसन में लम्ब पड़ जाते हैं और फिर लम्ब को खोलना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए मैंने सोचा कि दाल से ही पहले इसे भिगा लेते हैं फिर एज़ रिक्वायर्ड इसके अंदर पानी ऐड कर लूंगी बैटर बनाने के लिए जैसे हम चीले का बैटर बनाते हैं ना ऐसे ही हमें बैटर बनाना है और साथ में एक्चुअली यहाँ पे चॉपिंग कर रहे हैं प्याज थोड़ा सा चॉप करेंगे धनिया ग्रीन चिली इसको ना हम फिलिंग वाले चीले बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा पनीर और चीज़ की हम फिलिंग बनाएंगे तो यहाँ पे चॉपिंग भी चल रही है और बैटर भी बन रहा है तो बेसिक से मसाले ऐड किए थे मैंने बैटर में जैसे कि हल्दी पाउडर ही थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और सॉल्ट और ये देखिए फिलिंग रेडी कर लिए चीज़ एंड पनीर की और ये बैटर हो गया रेडी बस अब एक तरफ हम चाय चढ़ा देंगे इतने में बच्चों की भी आवाज़ आ गई है तो बच्चों को भी उठा के मैं लेकर आ गई थी ऊपर से और यहाँ पे बच्चों को भी मैं अभी कोकोनट वाटर दूंगी थोड़ी देर वो कोकोनट वाटर पियेंगे बैठेंगे उसके बाद ही ना बच्चे भी सेंसेस में आना शुरू होते हैं थोड़ा सा उनको भी लगता है कि हाँ मॉर्निंग हो गई है अब ब्रेकफास्ट करना है और केशु को मैंने बहुत ट्राई किया बट उसने आज कोकोनट वाटर बिल्कुल भी नहीं पिया तो चलो अभी बच्चे डैडी देखेंगे तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं चीले ना हमेशा अपने कास्ट आयरन के तवे पे ही बनाती हूँ क्योंकि ना बहुत अच्छे चीले बनते हैं एक तो चिपकते नहीं है बिल्कुल भी और बहुत ही फ्लेवर भी ऐड हो जाता है कहते हैं कि अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है ना तो आप अपने आ, कुकिंग यूटेंसिल्स ना आयरन पे शिफ्ट कर लो आयरन का तवा आयरन की कढ़ाई यूज़ करो इट एड्स मोर आयरन टू योर फूड बस इनका एक ही ड्रॉबैक होता है कि आपको ना इनको हाथ से क्लीन करके इनको सीजन करके रखना पड़ता है आप डिश वॉशर में नहीं डाल सकते बता सको okay, एक आधा बर्तन तो बड़े जो होते हैं वो मैं हाथ से धो के ही रख देती हूँ तो यहाँ पे मैंने पतला पतला बैटर जो था वो फैला दिया है चीले के लिए और एकदम बहुत जल्दी जल्दी चीले बन गए थे ये वाले सिक्के रेडी हो गए थे बस अब इसके अंदर फिलिंग लगा देंगे जब ये एक साइड से सिक जाएगा एंड uh, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी से चीले बने थे ये ना मेरी मम्मी ने खिलाए थे जब हम लोग इंडिया गए थे तो मुझे था कि जब मैं अपने घर जाऊंगी डेफिनेटली इन्हें ट्राई करूंगी और बहुत टेस्टी बनते हैं इसे ना इमली वाली चटनी के साथ ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है मैंने यहाँ पे सबसे पहले गोविंद को सर्व किया है थोड़े से केचप के साथ और उसका दूध भी गर्म कर दिया है और बस हमारे चीले भी बन के रेडी हो गए थे और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है तो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे आराम से बैठ के चाय पियेंगे बिकॉज़ वीकेंड की जो चाय होती है ना थोड़ी लंबी चलती है आराम से आधा घंटा लगता है हमें चाय पीते पीते और ये हो गया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट सर्व बस ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे अपना लंच भी तैयार करना था और आज थोड़ी सी मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी थी तो यहाँ पे ना मैं रोस्टेड अनियन और टमेटो की चटनी बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमेटो अनियन जिंजर और गार्लिक लिया है ये मिन्स गार्लिक है मैं कॉस्को से लेकर आई थी इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगी आई वुड रादर टेक फ्रेश गार्लिक देन दिस मिन्सड वन बट अब इसका ना बहुत बड़ा पैक आ गया है तो मुझे यूज तो करना ही है तो ये मेरा आयरन का स्किलेट निकला ही हुआ था इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला थोड़ा सा जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली डाल के टमेटो और अनियन भी डाल दिया इसको अच्छे से मैं रोस्ट करूंगी जब तक कि ना इसमें एक ब्लैक सा क्रस्ट ना आ जाए मीन वाइल जब तक वो सिक रहा है मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश मिंट लेकर आती हूँ अपने किचन गार्डन से फ्रेश मिंट की ना बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है तो मैंने थोड़े से पौधे लगा रखे हैं और मिंट ना एकदम वाइल्ड ग्रो होता है मतलब थोड़ा सा लगा दो अपने आप अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है एंड फ्रेश मिंट की बात ही अलग होती है तो बस सारी चीजें मैंने ब्लेंडर में ट्रांसफर कर ली मिंट डाल दिया थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता भी ऐड किया और बिल्कुल बेसिक से मसाले नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड करूंगी और लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हींग एंड जस्ट ब्लेंडेड और इतनी ज्यादा अमेजिंग लगती है ना ये चटनी आप इसको पराठे के साथ इवन राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है आज ना मेरा मन था कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ लंच में एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं दाल बाटी बनाऊंगी बट ना लास्ट में आपको बताऊंगी कि कुछ ब्लेंडर हो गया था जिसकी वजह से दाल बाटी नहीं बन पाई इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी दालें मिक्स कर ली हैं दाल बाटी के लिए थोड़ी सी दा, ज़्यादा दाल लगती है दाल बाटी में तो मैंने काफ़ी सारी दाल ली थी यहाँ पे तुअर दाल थी मूंग दाल थी आ, उड़द थी और चना दाल थी तो सबको मैं अच्छे से सोक करने के लिए छोड़ जाऊंगी आधा एक घंटा ये सोक होंगी एंड मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद के रख दिया था कि बाटियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अजवाइन सीज थोड़ा नमक और घी डाला था मोइन के लिए अच्छा मुझसे गलती क्या हुई कि यहाँ पे थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा भी डालना होता है जिससे कि बाटी अंदर से सिके बाटी फटे और क्रिस्पी बने बट मैं ना बेकिंग सोडा एकदम भूल गई थी आटा गूंधते वक्त अभी तक भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी है मैं अपना मस्त आटा गूंद के किचन क्लीन करके ऊपर गई मैंने देखा बच्चे एकदम नहा धो के तैयार हो गए हाय Google Google और कोई मुझसे पूछ रहा था कि प्रिया आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाई है क्या सो so दोस्तों नहीं मैंने अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराना पसंद नहीं करती हूँ कोई स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं कराई है मैंने बट हाँ मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है तो कभी कभार वीडियोस के लिए मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड आई रियली लाइक दैट स्ट्रेट बालों वाला लुक मुझ पर बहुत सूट करता है तो बस यहाँ पे मैंने भी क्विकली शावर ले लिया है अभी गोविंद तो अपने ऊपर लेगोस के साथ ही खेल रहा है मैं केश को नीचे ले आई थी जिससे कि वो मेरे साथ प्ले कर ले अभी स्टिल खाना बनाने में थोड़ा टाइम था तो मुझे लगा चलो मैं थोड़ी देर बैठ के अपना काम करती हूँ थोड़े बहुत मेल्स थे जिनका मुझे रिप्लाई करना था और मुझे वीडियो एडिट करनी थी मंडे के लिए तो अभी वही थोड़ा काम करूंगी मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं दाल बाटी बनाऊंगी एंड बाटी अराउंड फोर्टी मिनट्स लेती है सीखने में इतने में, में मेरी दाल भी रेडी हो जाएगी तो फोर्टी मिनट्स में, में मेरा लंच रेडी हो जाएगा तो मैं ट्वेल्व ओ क्लॉक स्टार्ट करूंगी एंड बाय ट्वेल्व फोर्टी फोर्टी फाइव मेरा पूरा लंच रेडी हो जाएगा मैं सबको सर्व कर दूंगी तो कुछ ऐसा ही हुआ मैं अराउंड बारह बारह पे उठी कि चलो अब लंच बनाते हैं बट uh, पहली बाटी बनाते वक्त पता नहीं कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आज ना मैंने आटे में बेकिंग सोडा तो ऐड किया ही नहीं अब बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया तो ये तो नॉर्मल आटा ही हो गया अब बाटी अंदर से अच्छे से सिकेगी नहीं और वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी खाने में मज़ा नहीं आएगा सो so, यस yes, ऐसा होता है कभी कभार जब आप कुक कर रहे हो तो कोई इंग्रेडिएंट भूल जाते हो तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हो आप अपनी कुकिंग में सो so, आज हमने दाल बाटी नहीं बनाई हमने सिंपल रोटियां ही बनाई जो हमने दाल के साथ खाई फिर हमने रात में दाल काफ़ी सारी बनाई थी मैंने क्योंकि तो रात में दाल और राइस खाया सो so, कुछ ऐसा दिन रहा हमारा संडे का लाइफ इज नॉट एज यू प्लान टू बी कभी कभार चेंजेस हो जाते हैं तो इट्स ओके okay. यू हैव टू मूव ऑन एंड हैप्पीली मूव ऑन करो लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग अब बस लंच करने के बाद मैंने केशु को यहाँ पर सुला दिया है जो so, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद आया मैं आपको मिलती हूँ कौन है वीडियो में तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो मुस्कुराते रहो टेक केयर बाय बाय लव्यू ऑल I know that you